हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल ऑल आई लेडीज एंड जेंटलमैन होप डूइंग जेंटर वेल अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो इस मुखड़े का फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई एम ऑलवेज मेकिंग वीडियोज़ अबाउट जॉब्स इंफॉर्मेशन आई एम नॉट एन एजेंट बट हाँ मैं एक वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लगे गलत उसमें ना जाओ किसी गलत कंसल्टेंसी एजेंट के उसमें ना फंस जाओ कौन कौन से तरीके होते हैं किस तरीके से आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए कुए से रिलेटेड तो मैंने मतलब बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है दुबई की दुबई के रिगार्डिंग मैंने बहुत कम वीडियोज़ बनाई है दुबई और भी जितनी भी गर्ल कंट्रीज है बट धीरे धीरे मैं बनाऊंगा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है गैस और आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डी एम ऑन इंस्टाग्राम जब भी मैं फ्री होता हूँ आई ऑलवेज रिप्लाई ऑन इंस्टाग्राम ओनली ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैं वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ ऑल राइट अब हम बात करते हैं कि दुबई आने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा गया ना दुबई आने के लिए कितनी सैलरी अच्छी रहती है कितनी सैलरी में आप सर्वाइव कर सकते हो देखो गैस अगर कंपनी की तरफ से आपको एकोमोडे ऑब्वियसली देखो कंपनी की तरफ से आपको एकोमोडेशन मिल रहा है एकोमोडेशन इज द मोस्ट मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है दुबई वर्सेस कुवत अगर दुबई वी एस अगर आप कुत डालोगे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है दुबई जाएँ या कुेत जाना सही है दुबई जाना सही है ऐसे करके आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी तो आपको कंपेरिजन पता लगेगा अगर मेरे साथ पर्सनली आप पूछोगे कि भाई कहाँ जाना चाहिए ज़्यादा भाई के उसमें तो मैं सब लोगों को प्रेफर करूँगा कि भाई कुवेत इज़ द बेस्ट बिकॉज कुवैत की कॉस्ट ऑफ़ लिविंग बहुत सस्ती है अकॉर्डिंग टू दुबई बट दुबई में घूमने के लिए बहुत कुछ है वो डिटेल में उस वीडियो में बना बता रखी जाकर आप देख सकते हो इसमें हम फिर बात करेंगे कि दुबई के आने दुबई आने के लिए कितनी सैलरी सही रहती है तो दुबई आने के लिए अगर देखो कंपनी की तरफ से आपको मोडेशन मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है फूडिंग भी एक टाइम का मिल रहा है तो आपकी जो सैलरी है एटलीस्ट 1500, 1300 थर्टीन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड द्राम के बीच में होनी चाहिए 1300 सौ से लेके पंद्रह सौ द्राम के बीच में काफ़ी लोग हैं जो हजार द्राम में भी जाते हैं ग्यारह सौ दिन ग्यारह सौ द्राम बारह सौ द्राम में भी जाते हैं तो गैस देखो उसमें भी आप सर्वाइव कर सकते हो लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट आपको कम से कम कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए अब अगर मान लो हज़ार बारह सौ द्राम मिल रहे हैं या पंद्रह सौ द्राम भी अगर आपको मिल रहे हैं उसमें अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन नहीं दे रही तो आप कुछ भी नहीं बचा पाओगे भाई बिकॉज एकोमोडेशन में भी वहाँ पे पाँच सौ सात सौ द्राम का कम से कम एकोमोडेशन अगर पंद्रह सौ कंपनी देती है तो पाँच सौ सात सौ आप अपना वो कर लो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी मेरी प्ले लिस्ट में देख लेना हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दुबई करके प्ले लिस्ट में मैंने काफ़ी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बता रखा है कॉस्ट ऑफ़ लिविंग दुबई दुबई में रहने खाने पीने का खर्चा कितना आता है उस वीडियो में जाके मैंने बता रखा है तो उस वीडियो का जाकर जरूर देखना था तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बट मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो तेरह सौ सौ पंद्रह सौ के बीच में आपकी दुबई जाने के लिए इज द बेस्ट सैलरी अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन देती है अगर सी अब फूडिंग नहीं देती है तो फूडिंग का भी आप तीन सौ चार सौ दब मान के चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हो जाता है बट इट्स अ गुड सैलरी बस यही बताना था अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू मैं नहीं कह रही थी डी एम ए इंस्टाग्राम कमेंट डाउन बोलो आज के लिए तो बेस्ट टेक केयर जय हिंद